हम सभी लोगों को रोमर रेंस और कोडी रोड्स का मैच एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिल सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज कर दिया क्लैश एट द कैसल का बिल्कुल न्यू पोस्टर। इस वीडियो के अंदर रॉक को लेकर भी बहुत सारे अपडेट्स होने वाले, तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो काफी ज्यादा छोटी होगी तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक तो देख ही सकते हो। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपनी बातों को शुरू करते हैं। दी रॉक से आप सभी लोगों को पता है रॉक की एक न्यू मूवी शूट होनी थी एमएमए फाइटिंग की। द रॉक बहुत देर से ट्रेनिंग में कर रहे थे भाई। खबर कुछ ऐसे आई है, फोटो कुछ ऐसे सामने आई है भाई, जिसको देखकर आप सभी लोग हैरान होने वाले हो। भाई सबसे पहले इस फोटो को देखा तो मैं काफी ज्यादा हैरान रह गया। मेरे को लगा भाई ये तो रॉक हो ही नहीं सकते। रॉक ने अपना पूरा गेटअप चेंज किया भाई, ऐसा लगी नहीं रहा है कि वो दी रॉक है। जब मैंने इस फोटो को देखा तो मुझे ऐसे लगा कि कोई नॉर्मल इंसान बैठा हुआ है। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया तो मुझे पता चला ये खुद रॉक है, और रॉक ने अपना गेटअप इस तरह चेंज किया कि भाई लगी नहीं रहा है कि ये रॉक है। देखो कोई प्लास्टिक सर्जरी कराता है तो ठीक भाई, जैसे रॉक ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। अगर कोई भी सबसे पहले रॉक की वाली फोटो देखेगा तो वो पहचान नहीं पाएगा कि ये कौन है। ऐसा लगा भाई रॉक का ये न्यू लुक, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना भाई। कमेंट करने में एक रुपया भी नहीं लगता, तो आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। क्लैश एट द कैसल के बारे में देखो भाई, जो इस बार का क्लैश एट द कैसल होने वाला है वो हर बार की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। देखो क्लैश एट द कैसल को बहुत खतरनाक तरीके से एडवर्टाइज करती है। पिछले साल के अंदर हुआ था क्लैश एट द कैसल, उसका भाई स्टेडियम भी काफी ज्यादा खतरनाक था, उसके ग्राफिक्स भी बहुत ज्यादा खतरनाक थे। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लैश एट द कैसल को इस बार भी 2024 के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक करने की ट्राई कर रही है। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई एक न्यू पोस्टर रिलीज किया, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ड्रू मैकइंटायर कैसे तलवार लेके खड़े हुए हैं। इस पोस्टर के आप लोग ग्राफिक्स की बात करो तो भाई ग्राफिक्स एक नंबर है। मैकइंटायर को देखो, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने पोस्टर के सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर के होम टाउन के अंदर ही क्लैश एट द कैसल का मेन इवेंट होने वाला है। टामा टोंगा टोंगा लोआ के बारे में, टामा टोंगा टोंगा लोआ इन दोनों की भाई बुकिंग सबसे ज्यादा बेकार लग रही है। इनके फेलियर का एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। रेसलर को मेन पोस्ट दिलाने के लिए सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, वो मैटर करता है उसकी फर्स्ट इंप्रेशन। इन दोनों ने पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डेब्यू किया था तो फैंस उनसे इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे। अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं तो मान लो तुम किसी नई नई जगह पे गए हो, या फिर तुम घूमने गए हो, या फिर तुम बाजार के अंदर गए हो, जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे वो सारे देखेंगे तुमको, और तुमने अगर छपरी लुक बना रखा होगा तो वो तुम्हें छपरी समझेंगे। भाई तुम अगर अच्छी तरह से तैयार होकर जाओगे, तुम अच्छी वाणी में बोलोगे तो लोग तुम्हें समझेंगे कि हाँ ये अच्छा इंसान है। सेम चीज टामा टोंगा टोंगा लोआ के ऊपर अप्लाई हो रही है। टामा टोंगा टोंगा लोआ का सबसे फर्स्ट इंप्रेशन ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सबसे बेकार है। इन्होंने अपने रिटर्न के बाद कोई खास चीजें तो करी नहीं है। इनका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है फेलियर का, ये बहुत जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फेल हो सकते हैं अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनकी बुकिंग सुधारी नहीं तो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोडी रोड्स और रोमन रेंस के बारे में। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच एक बार फिर से करवाने वाली है। इस बार रेसलमेनिया 41 के अंदर कोडी रोड्स और रोमन रेंस का एक रीमैच हमको देखने को मिल सकता है। तो लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, उसकी तरफ से अपडेट है। उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं, आप लोग चाहते हो कि रोमन रेंस अपना ब्रॉक लेसनर की तरह रिटर्न करे मनी इन द बैंक के अंदर, ब्रॉक लेसनर की तरह मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीत ले, या रोमन रेंस अपना रिटर्न करे समर स्लैम के बिल्कुल एंड में, जो कि उन्होंने 2020 के अंदर किया था, वो अपने रिटर्न के बाद कोडी रोड्स को एक स्पेयर लगा दे। देखो यहां पे बात आती है रोमन रेंस और कोडी रोड्स का रीमैच, डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों का मैच एक बार फिर से तो करवाने वाली है। डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी पागल तो इतनी मुश्किल से भाई कोडी रोड्स अपनी रोमन रेंस के साथ वाली स्टोरी फिनिश करी है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहेगी कि फिर से रोमन रेंस के साथ उनकी एक न्यू स्टोरी शुरू हो। कोडी रोड्स ने रोमन के साथ स्टोरी फिनिश कर ही लिया, कोडी रोड्स ने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को जीत लिया है। फिर अगर रोमन रेंस अपना रिटर्न भी करते हैं समर स्लैम के अंदर और कोडी रोड्स को स्पेयर लगाते हैं तो इस चीज का कोई भी सेंस तो बनने नहीं वाला है। अगर हम लोग बात करें रोमन रेंस के मनी इन द बैंक की, तो देखो अगर रोमन रेंस मनी इन द बैंक जीते, रोमन रेंस को कैश इन करना होगा, वो कैश इन करेंगे चैंपियनशिप के लिए ही। अगर रोमन रेंस एक बार फिर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की तरफ जाएंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बार रोमन रेंस को चैंपियनशिप दे दी, तो शायद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई दूसरी बार रोमन रेंस को चैंपियनशिप देने वाली है। ऐसे आपको रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के पीछे ना जाते हुए रोमन रेंस मनी इन द बैंक को जीते तो रोमन रेंस शायद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जा सकते हैं। अगर रोमन रेंस मनी इन द बैंक जीते हैं तो वो फिर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की तरफ तो जाने नहीं वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोमन रेंस के लिए कुछ स्पेशल करना होगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोमन रेंस के लिए कुछ न्यू करना होगा, देखना होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई आखिरकार क्या करवाती है रोमन रेंस के साथ। इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, आज के इस वीडियो को लिए कुछ अपडेट्स थे। आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो पसंद आई तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो भाई ऐसे वीडियोस के लिए आप सभी लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आप सबसे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में।